अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं बड़े के पाए। मैं बाज़ार से लेकर आया था 4 अदद पाए, और ये देखें हम बर्तन जो है मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिए, और मैं 120 ग्राम ऑयल ले रहा हूँ इसमें, और आधा किलो प्याज, और बड़े के पाए बना रहे हैं आज। मतलब सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह पाक आपको इस नए साल में बहुत सारी खुशियाँ अता करे, और जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो आपके मुताबिक जो पूरी हो सकती हैं, अल्लाह पाक वो पूरी करें, और हमेशा खुश रहें आप लोग। और जो लोग नए सब्सक्राइबर हैं उनको खुश आमदीद, और जो लोग पुराने सब्सक्राइबर हैं उनसे बस अल्लाह पाक उनको बहुत सारे खुशियाँ अदा करें इस नए साल में। गाइस प्याज ब्राउन हो चुकी थी, आधा किलो प्याज ली थी मैंने, उसके अंदर 4 अदद पाए डाल रहा हूँ मैं। ये बड़े के पाए हैं, और आज हम बड़े के पाए बना रहे हैं। बिल्कुल आसान रेसिपी है, घर के अंदर भी बना सकते हैं। गाइस अभी इसको जो है मैंने प्याज के अंदर, ब्राउन प्याज के अंदर पाए डाल दिए थे, पाए को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रखा हुआ था, अब इसके अंदर ऐड कर दिए मैंने। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स होने दूंगा मैं प्याज के साथ, ताकि जो प्याज है उसकी ग्रेवी बन जाए। साबित प्याज नज़र नहीं आएगी आपको, प्याज ग्रेवी ही नज़र आएगी, और बिल्कुल आसान रेसिपी है। अब गाइस अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करने के बाद प्याज के अंदर पाए को, अब इसमें मैंने पाए मसाला डाला है, एक पैकेट लेकर आया था बाज़ार से मैं, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है गाइस। अब इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स हो करूँगा, अच्छी तरह से मिक्स, ताकि जो मसाला डाला है मैंने, पाया पाया मसाला डाला है इसके अंदर पायों में, तो वो जज़ब हो जाए हड्डियों के अंदर और जो पाए हैं हमारे उनमें। बिल्कुल आसान रेसिपी है गाइस, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है मेहनत। आप एक बार ये जो है ना खाली ग्रेवी जो है इसकी पहले तैयार कर लें, इसके बाद जो है ना बस पानी ही डाल के आप पानी को पकने दे दें बस। और गाइस आप देख सकते हैं कैसा लुक नज़र आ रहा है, ये मैंने ढक दे दिया था, और इसके दौरान जो है ना मैंने पानी डाल दिया था गाइस, और अभी आप देख सकते हैं पानी कितना है। और अभी ये पानी को पकने के लिए जो है ना मैं 4 घंटे छोड़ दूँगा, ताकि पानी हमारा पक जाए अच्छी तरह से। और गाइस देख सकते हैं ये अभी तो यखनी भी नहीं बनी, अभी पानी अभी मतलब गर्म हो रहा है, और अब पाए का कलर देख सकते हैं आप। और गाइस ये बाज़ार से आज जो है पहली तारीख भी थी नए साल की, तो गया था बाज़ार तो उन्होंने बड़े का जानवर काटा हुआ था, और तो सोचा कि मैंने कहा आज अपने सब्सक्राइबर को आज पाए रेसिपी बनाकर दिखाते हैं। तो गाइस आज पाए रेसिपी बना रहे हैं, और अब इसको जो है मैं गाइस 4 घंटे के दम पे रख दूँगा, और आँच जो है हमारे पास तो लकड़ियों की आँच है, तो आप अपने यहाँ जो है ना अगर जिन जिन लोगों के पास गैस है तो वो गैस की बिल्कुल लो फ्लेम कर दें 4 घंटे के लिए। गाइस मैंने 4 घंटे की रखने के बाद, अब 4 घंटे के बाद देख सकते हैं आप पानी लगभग खुश हो चुका है, और हमारे पाए भी जो है ना लगभग मतलब यूँ समझ लें कि 90% पक चुके हैं। अब खाली हल्की आंच पे और पकाना है इसको 15 से 20 मिनट, और भाई ये 15 मिनट मैंने दम पे रख दिया दोबारा। ना गाइस ये देखें फाइनल लुक, माशाल्लाह से पाए बहुत ही प्यारे बने हैं, बहुत ही लजीज बने हैं। आप एक बार खाएंगे तो आप बोलेंगे कि माशाल्लाह। और बिल्कुल आसान रेसिपी है, इसमें कोई मैंने ऐसी मिर्ची वगैरह नहीं डाली, सिर्फ़ और सिर्फ 1 चम्मच नमक का ऐड किया है, एक कढ़ाई अपना पाए मसाले का जो पैकेट था वो ऐड किया है मैंने इसमें, और आधा किलो प्याज। इसके अलावा कुछ भी ऐसा मैंने मसाला नहीं ऐड किया इसमें। आप देख सकते हैं बिल्कुल गोश्त जो है ना गल चुका है, जो पाए में लगा हुआ था जो हड्डियों में के,
और मैं यही कह रहा था कि गाइस आप घर के अंदर बनाएं, बिल्कुल आसान रेसिपी है, माशाल्लाह से बड़ा मज़ेदार रेसिपी बनी है। और बस अपनी दुआओं में याद रखें मुझे, इसी तरह मेरी वीडियोस देखते रहें, लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और जितना हो पाए मेरी वीडियोस को शेयर करें, और बस दुआओं में याद रखें।